हेलो, आपने देखना शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटी न्यूज़। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। पीएचडी प्रोग्राम से ये बिट्स फिनाली है जहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसी के बारे में आपको मैं पूरे डिटेल्स में बताऊँगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। देखिए, इन ब्राउज़र ओपन होने वाला है और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में। इसका तीन कैंपस है, देखिए पिनाली में है, पिनाली में है, गोवा में, हैदराबाद में भी। इसका इंटरनेशनल कैंपस भी है ये। तो इसके बारे में बता दे, देखिए कि अबाउट बिट्स पे है, तो पिनाली जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बिट्स पिनाली डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कैंपस है ये। और ये हैदराबाद में, मुंबई और दुबई में है, इसका कैंपस बना हुआ है। तो इसी के बारे में निकला हुआ है पीएचडी नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे फेलोशिप है तो मैं इस पर वीडियो बना दिया हूँ। देखिए किन किन सब्जेक्ट में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, बायो साइंस में है, केमिकल साइंस इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री में है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, ह्यूमन साइंस, ह्यूमन ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस है। और ये है, और ये देखिए जो निकला हुआ है दो तीन कैंपस के जगह पर निकला हुआ है, देख लीजिए, आपको देख लीजिए जो कैंपस है। पीएचडी एक जगह नहीं है, ये पिनाली में भी है, पिनाली में है, गोवा में है और हैदराबाद कैंपस में, तीन कैंपस में ये निकला हुआ है। देख लीजिए कई कई सब्जेक्ट में जो नहीं है, कई कैंपस में तो देख सकते हैं। और उसके बाद ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस के बाद देख लीजिए, हैदराबाद में नहीं है ये। और इकोनॉमिक्स फाइनेंस में है और मैनेजमेंट में है, मैथमेटिक्स में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में और फिजिक्स में, इन सब डिपार्टमेंट में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ये हो गया, आपको मिनिमम क्वालिफिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आपको चाहिए था, देख लीजिए यहाँ पे एम टेक चाहिए, यहाँ पे एम टेक चाहिए, देखिए दिखा दिया यहाँ पे, एम टेक आपको होना चाहिए, एम ई होना चाहिए, एम टेक होना चाहिए, बी एम फार्मा होना चाहिए, एम बी ए होना चाहिए, एम फिल इक्विवेलेंट डिग्री है तो आपको चलेगा यहाँ पे। और 60% आपको मार्क्स होना चाहिए, 60% एग्रीगेटेड जो मार्क्स होना चाहिए, एम एस सी बी ई वी फार्मा जो होता है उसमें आपका होना चाहिए। इसके साथ आपको एम ए भी है तो आपको ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस में 55% के पास साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर पार्ट टाइम एप्लीकेशन भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है यहाँ पर दिया गया है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिलेगा, देख लीजिए आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा यहाँ पे, और आपको मिलेगा उसके बाद पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर तक 37,000 मिलेगा। और उसके बाद स्टूडेंट एम ई जो एम फार्मा एम फिल है उनके बाद आपको मिलेगा 34,000। स्टूडेंट एडमिट द एम एस सी एम ई जो एम फार्मा में इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी, तो आपको 34,000 उसके बाद आप कोर्स वर्क के बाद 37,000 कर दिया जाएगा यहाँ पे। पीएचडी तो हो गया, आपको फेलोशिप मिलेगा। और जो फॉर्म निकला हुआ है आप देख सकते हैं, 1 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है आपको 29 मार्च तक। और डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू और टेस्ट के लिए आपको 6 मई के होगा आपके, उसके बाद डिटेल्स आपको तैयारी अनाउंसमेंट होगा और लास्ट पेमेंट वाला। और 1 अगस्त से आपका जो है कोर्स वर्क का क्लास शुरू हो जाएगा है, आपको ध्यान रहे क्लास शुरू हो जाएगा उसके बाद से। ये हो गया आपको, देखिए एडमिशन प्रोसेस आपको देना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद है, आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे। और टेस्ट देकर यहाँ पे कैंडिडेट को फुलफिल करना होगा, देख लीजिए यहाँ पे आपको 5 बजे तक कर सकते हैं। 29 द डेड लाइन ऑफ सबमिशन ऑफ कम्प्लीट अप्लीकेशन फॉर्म 5 अप्रैल 29, 2024 तक कर सकते हैं। और देखिए ₹2600 लगा है, ₹2600 इसको आपको देना होगा, यहाँ पर थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, ये अन रिफंडेबल नहीं है, ये आपको ध्यान है, आपको यहाँ पर रिफंड नहीं कर सकते हैं। और अगला जो स्टेप आपको यहाँ पे होगा कि आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा, तो रिटर्न टेस्ट दे सकते हैं आपको, रिटर्न टेस्ट का भी इसका सिलेबस दिया हुआ है तो दे सकते हैं आपको। आपको रिटर्न टेस्ट में क्या देना है, फर्स्ट पेपर में देखिए आपको देना है यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन देना है, 2 पैसेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा और एनालिटिकल रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस है, 4 स्टेज में होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे ईच के, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन इन टोटल और 10 क्वेश्चन होंगे। और देखिए इसमें से 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन,
और टाइमिंग आपको 20 मिनट दिया जाएगा, 10 मिनट दिया जाएगा और 15 मिनट, इस तरह से आपको टाइम दिया जाएगा। 15 15 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकंड दिया है यहाँ पर, देख लीजिए सेकंड क्या कह रहा है, आपको दिखा दे हैं कि टेस्ट सेकंड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस विल बी डिसिप्लिन स्पेसिफिक ऑफ सब्जेक्ट इन नेचर, आपके अनुसार होगा। और एक देख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे दिया है, कैंडिडेट विथ एन एमफिल डिग्री विथ फेलोशिप लाइक ए सी एस आई आर, नेट, जे आर एफ, यू जी सी नेट, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे रिटर्न टेस्ट से, उनको नहीं देना होगा रिटर्न टेस्ट से, डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, और ऑल कैंडिडेट आर मैनेजमेंट पेनाली कैंपस, उनको देना होगा, इकोनॉमिक्स वाला है और रीजनल इसमें है। तो ये देख लीजिए ये सब है, बहुत कुछ खासा है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। सिलेबस देख लीजिए सबके यहाँ पर सिलेबस दिया है, टेट सिलेबस यहाँ बायोलॉजी का है, तो मॉलिक्यूलर पूरा आपको डिटेल्स में इसको पढ़ना है। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सब पूरा बताना सिलेबस थोड़ा टफ हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबा नहीं करना चाहते हैं। और इसको मैथमेटिक्स का है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, तो काफ़ी अलजेब्रा और चीज़ देखना है, फिजिक्स का भी यही है। और इसी तरह से आपको ये देख लीजिए ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस में आता है, आपको देख लीजिए मीडिया, मीडिया को पढ़ना होगा, क्योंकि मीडिया से कम्युनिकेशन आपको पढ़ना होगा, सिनेमैटिक पढ़ना होगा पूरा कम्युनिकेशन मीडिया में, देख लीजिए ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस में है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मीडिया को पढ़ना होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको मीडिया स्टडी, आपको करंट अफेयर्स, मास कम्युनिकेशन, या आपको मीडिया कंटेंट डिजाइनर, ये सब पढ़ने का रेफरेंस बुक भी दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन का है पूरा, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो सब सोशल साइंस में आते हैं। इकोनॉमिक्स है, देख लीजिए इकोनॉमिक्स में भी स्पेशल सब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होगा सब पूरा डिटेल्स, पब्लिक फाइनेंस थ्योरी, तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया है। मैनेजमेंट में मार्केटिंग पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजर, फाइनेंस पढ़ना है, एच आर ओ बी पढ़ना है, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इसमें आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है ये सब, तो काफ़ी एप्लीकेशन में इसमें आपको पर स्टडी करना है। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग है, तो ये हो गया, इस तरह से इससे सब कुछ को आपको देखना होगा। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड अपडेट, इस तरह के अपडेट के लिए आप स्किल डायरेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर्स भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो देख लीजिए यहाँ पे अदर्स इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, एडवर्टीजमेंट है, पार्ट टाइम के लिए है, एस्पिरेंट के लिए है, एस्पिरेंट फॉर्मेशन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन है, फी स्ट्रक्चर आपको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पीएचडी पोजीशन इन इंटरडिसिप्लिनरी है, डाटा साइंस ग्लोबल हेल्थ है, ये सब में भी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में अवेलेबल है, तो इसके लिए आराम से जाइए वेबसाइट पर, इसको पूरा डिटेल्स में स्टडी कर लीजिए ताकि कोई भी आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो 1 मार्च से ये पोर्टल ओपन हो गया है। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड अपडेट, इस तरह के अपडेट के लिए आप स्किल डायरेक्शन को, आप यूनिवर्सिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको हो आपको तुरंत मिले और आप ऑन टाइम अप्लाई कर दें और फॉर्म भर दें, ताकि आप टाइम पर आप अप्लाई कर दें। तो मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में, एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़।